ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੈਰੀਅਸ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਟਰਨ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ कि किवें इसका पैटर्न ड्रॉ करना है। इस तरह मिडल पार्ट तो आप स्टार्ट करना है इस तरीके दे नाल। कोशिश करना कि जिन्ना थिन ब्रश होएगा उन्ना ही, क्योंकि डिटेलिंग इसकी ज़्यादा है तो उन्ना ज़्यादा ही कन्वीनियंट रहेगा। जे ऑलरेडी आप ब्रॉड ब्रश यूज़ किया तो फिर डिफिकल्टी हो जाती है डिटेलिंग दे विच। ए मैं गोल्डन येलो शेड जिहड़ी हुंदी है इसका नंबर येलो 9 नंबर है, गोल्डन येलो आप बोलते हैं। और ए मैं हल्का हल्का क्रिमसन कलर यूज़ करूँगी इस तरह। और अगेन येलो कलर इत्थे। और जड़ा आपां क्रिमसन शेड यूज़ कीती है इसनू ड्राई होने तो पहला ही आपां इसनू मिक्सिंग करनी है इहदी। तां कि इह आपां नू लाइन नहीं बल्कि एक शेडिंग इफेक्ट आवे, एक पार्टिकुलर लाइन ना दिखे। यह इस तरह जस्ट एक शेडिंग का इल्यूजन क्रिएट करना है असी। जिवें तुसी नैचुरली फ्लावर्स दे विच देखते हो इस तरह। अगेन मैं इत्थों क्रिमसन शेड लैके इसनू कवर करूँगी, क्योंकि पैटल्स की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है तो वन बाय वन आपां पैटल्स नू अटैम्प्ट करना है। कलर नू ड्राई भी नहीं होन देना, मिक्सिंग भी उहदी ड्राई होने तो पहला ही करनी है। इस तरह अगेन मैं इत्थे एक पेटल प्रॉपर क्रिमसन शेड दी बनाऊंगी इस तरह। और इत्थे येलो कलर किते किते अपन लाइट येलो शेड भी यूज करनी है। इत्थे मैं लाइट येलो दा भी टच दे रही हाँ ताँ के पैटल्स नू एक वैरायटी मिले। इस तरह
इन्हां फ्लावर्स की बनन तो बाद ही ब्यूटी आती है। जो आप इस तरह शेड देनी है तो ब्रश नू वाइप कर लेना ताकि कलर जिथे चाहिए बस उत्थे ही अपना यूज होवे साडा कलर, उस तो इलावा कलर किते होर ना जावे। क्योंकि यह मेरी येलो सरफेस हो गई तो फिर मैं हुण इस तों बाद इस नूं रेड दे नाल डिफरेंशिएट करूँगी और ब्रश नूं वाइप करन तों बाद इस तरह मिक्सिंग करांगे। मिक्सिंग करदे हां लाइट तो डार्क शेड वाल आना है। जे आपां डार्क तो लाइट शेड वाल जाने हैं तो फिर कलर उस दे नाल ओवरलैप हो जाता है, लाइट कलर मर्ज हो जाता है। हुण ए वाला पोर्शन जिहड़ा लाइट शेड दा बनावांगे। अगेन मैं इत्थे रेड शेड यूज़ करूँगी, नू क्रिमसन रेड कहते हैं। इस तरह ये बहुत डिटेलिंग वाला फ्लावर होता है। पर उन्ना ही अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि इस फ्लावर नू बनाना इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। पर जो आप चंगी तरह किसी काम नू करते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। और जो आप कुछ सिखा रहे हैं वो सिखाना भी, वो टीचिंग पीरियड भी साड़ा एक तरह का लर्निंग पीरियड होता है क्योंकि कुछ चीज़ां आपां जदों टीच कर रहे हैं तो वो कुछ नई चीज़ां आपां सीखते हैं तो वो लर्निंग पीरियड भी साइड बाय साइड चलता है ड्यूरिंग द टीचिंग पीरियड।
क्योंकि लर्निंग दे विच असी साडे कोल इक माइंडसैट हुंदा है कि मैं ये चीज़ सीखनी है वो चीज़ नहीं सीखनी, एक तुहाडा दायरा हुंदा है। पर जो तुसी टीच करते हो तो तुसी हर एक कॉन्सैप्ट नू, हर एक चैलेंज नू लैके चलते हो और उस दे ड्यूरिंग मिसटेक्स भी करते हो और उन्होंने मिसटेक्स तो ही सीखते हो। क्योंकि परफेक्ट आपां कदे भी नहीं हो सकते। अपनी मिसटेक्स तो ही सीखते हैं। मान लो जे मैं कोई इस फ्लावर नू अटैम्प्ट करदे आ कोई मिसटेक कीती है तो मैं वो नेक्स्ट टाइम अपनी मिसटेक नू अवॉइड करूँगी, उसनू इंप्रूव करूँगी। इस तरह ग्रेजुअली वन बाय वन पेटल्स नू कंप्लीट करना है। बिल्कुल थिन लाइन दे के ही पेटल्स नू डिटेलिंग देनी है। डार्क तो लाइट वाल नू जाना है। एक्सेस कलर अपन वाइप कर लेना ब्रश तो। अगेन सेम टेक्निक, ये लास्ट पेटल इस तरह
बॉर्डर लाइन तो बड़ा केयरफुल ही रहना है। कलर साडा बिल्कुल एक्यूरेटली रहे। फिर ब्रश नू वाइप करन तो बाद एक्स्ट्रा कलर आपां सारा रिमूव कर देना। इस तरह हुण मैं लीव्स बना के दिखाऊंगी। ये ऑलरेडी ड्रॉ किते हैं, मैं ड्रॉ किते होया ते वर्क करके भी दिखाऊंगी ते बिना ड्रॉ किते हैं तो भी कि बिना ड्रॉ किते आपां फ्री हैंड किदां बनाउणे आ लीव्स। ये ड्रॉ किते हुए आ हल्का हल्का ब्लैक कलर दा टच दवांगे। एक्सेस कलर नू वाइप कर देना है। क्योंकि ब्लैक पिगमेंटेड ज़्यादा है। इस तरह अगेन सेम मैं ड्रॉ किते हुए नू ही बना रही हूँ। इनकेस आपां जे बिना ड्रॉ किते आ बनाउणा पवे मैं वह भी बना के दिखाऊंगी तुहानू इस पैटर्न दे विच ही। ब्रश कोई भी ले सकते हो जिस भी तुसी कन्वीनियंटली कर सको। एक्स्ट्रा ब्लैक कलर मैं वाइप करता। बिल्कुल जरा जा कलर लेके इस तरह हुण जो मैं ये निशान लगाए सी कि मैं किथे किथे लीव्स बनाने हैं तो मैं उत्थे अपने लीव्स रेडी करूँगी। इस तरीके दे नाल अगेन ब्रश नू वाइप करके ही कलर दी मर्जिंग करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए।
इस तरह ये टेक्निक बिल्कुल इस तरह सी जिमें आप कोई पेन नाल ड्रॉ करते हैं। और एक टेक्निक मैं ए वाली दस रही हूँ, तुहानू इस तरह ए भी लिप्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इस तरह अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का इफेक्ट दे सकते हो। अगेन आप सेम टेक्निक वाला बनावांगे लीफ। इस तरह एक्स्ट्रा कलर नो वाइप आउट वाले लीव्स ज़िगज़ैग टेक्निक वाले बहुत अट्रैक्टिव लगते ने। Now we will join the parts of the flower मैं सेम फ्लैट ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ।
ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੀਵਸ ਵਾਲੇ ਸਟੈਮਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना प्लीज़। चैनल ते नवे हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।